चलिए देखिए, फिर से इसको समझिए। यह एक लाल चुंबक है, है ना, लाल चुंबक। इसमें एक धारावाही चालक हम क्या किए, एक स्प्रिंग के द्वारा लटका दिए, और इसको हम क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए। जब बैटरी से धारा प्रवाहित होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, और बैटरी से जब धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही स्विच को हम बंद करते हैं, ऑफ नहीं करते, बंद करना यानी बंद सर्किट, ऑफ करना ओपन सर्किट, समझ रहे हो। सर्किट जैसे यहां ये जा रहा है, ये स्विच दो को लगा के स्विच सटेगा तब ना बल्ब जलेगा, हटा दिए तो ओपन सर्किट हो गया, बंद किए तो क्लोज सर्किट। जैसे ही स्विच को हम दबाते हैं तो ये जो है रड धारावाही चालक किधर लगाता है, नीचे की ओर बल लगाता है। कि यदि परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू होता है, यदि मतलब परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू होता है तो बल किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है। लग गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इस नाल चुंबक को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी कि इधर साउथ और इधर कर देते हैं नॉर्थ। पलट दिए, हमको पलटने में तो टाइम लगा नहीं, तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगेगा। पलट दिए, तब पलट दिए, तब क्या मजेदार बात दिखता है, पलट दिए तब देख रहे हैं कि अब पहले जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, अब फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, यदि नाल चुंबक को क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। अब तुम लोग मत पलट जाना, चुंबक को पलटाना, पलट दिया जाता है तो क्या होता है, बल ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। अब तीसरी बात उठ सकती है क्या, अभी देखो, अभी हमने ये दिखाया कि अगर फोर्स यहां नॉर्थ है या अगर यह साउथ था तो बल किधर लगता है, नीचे की ओर। आ इसको चुंबक को जब पलट देते हैं तो फोर्स क्या लगता है, ऊपर की ओर। अब यह साउथ और नॉर्थ है, है ना। अब क्या करो, अभी तो चुंबक को पलटे थे, अब क्या करेंगे, यदि धारा का सप्लाई पलट दें, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव कर दें, तो फिर यह नीचे की ओर लगेगा, फोर्स नीचे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा। और फिर चुंबक को पलटेंगे तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अगर धारा परिवर्तित करने पर यही क्रिया, धारा परिवर्तित करने पर क्या होगा, पुनः अगर विद्युत धारा को परिवर्तित करने पर बल क्रिया क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। जिस तरह पहले नाल चुंबक को पलटने से कार्य होता था, अगर विद्युत धारा का प्रवाह पलट देंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। याद है ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में हमने आपको बताया था कि एक बार इधर से धारा देकर दे तो चुंबकीय सुई फ्लक्चुएट इधर किया था, और फिर धारा पलट दिए तो अपोजिट डायरेक्शन में किया था। उसी तरह धारा को अगर यदि हम बदल देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, चुंबक रहेगा और धारा रहेगा, तभी ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाएगा। दो मैग्नेट रहेगा तब तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कि एक मैग्नेट और एक लोहे का टुकड़ा दे देंगे तो अट्रैक्शन, केवल अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। उसके लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाने के लिए क्या चाहिए, दो मैग्नेट। तो दो मैग्नेट हुआ कि नहीं, एक मैग्नेट तो ये हो गया नाल चुंबक, दूसरा मैग्नेट धारावाही चालक,
ये अब कहोगे कि सर ये मैग्नेट कैसे हुआ, ए मोहन पाले एक फैट मारेंगे तो चल जाएगा अंटा घाट टुकड़ी लगे, पूछेंगे तो मुंह बांधेगा, मोबाइल चला रहा है क्या, लिख रहा है, ज्यादा मत लिखा बने हेमरेज कर दे, ये मैग्नेट कैसे हुआ। अब बात उठ सकती है ना कि आपने बोला कि ये तो धारावाही चालक है, रड है, छर है, तार है, तो ये मैग्नेट कैसे हो गया, तो यह बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने आपको पढ़ाया था ना अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड लॉ, ऑस्टेड के अनुसार ऑस्टेड क्या कहता, किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सर जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अगल बगल में मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है। और ये भी बताया था सेम पोल अट्रैक्शन, डिफरेंट पोल रिपल्शन, डिफरेंट पोल अट्रैक्शन और सेम पोल रिपल्शन, तो ये जो बदल देने पर पोल बदल जाता है इसलिए इसका उल्टा प्रभाव दिखता है। अब बात उठती है कि हम कैसे जानेंगे, इसमें तो आपने दो चीज दे दिया, विद्युत धारा भी दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों के पहचान के लिए तो हम बताए थे कहा थी अंगूठा ले ला, ये अंगूठा और ये उंगली जिधर मुड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड और ये विद्युत धारा, तो किससे, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से, तो ये तो पता चलता है। लेकिन इसमें तीन चीज है, कौन सा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट बना और तीसरा फोर्स भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तीन गो चीज हो गया। अभी तीन गो चीज का जानकारी प्राप्त करने के लिए उसमें अगर हम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाते हैं तो वह बेचारे फेलियोर कर जाएंगे, है ना, तो बगले में बैठल रहा फ्लेमिंग, उनका बर्दाश्त ना भय, है ना, एकदम दौड़े तैलन, इसका भी नियम है। तो उन्होंने अपना वाम हस्त नियम लगाया, वाम हस्त नियम में उन्होंने तीन उंगलियां ली, ये तीन उंगलियां, है ना, और तीनों का व्यवहार कैसे किया अभी हम बताते हैं, उसमें निकल जाएगा ना, एगो को माना क्या, फोर्स, एगो को माना करंट, एगो को माना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक करंट और एक बल, यही चीज ना तीनों में है। जब फोर्स लगता है तो कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और बल, तीनों को दरसा देगा कौन, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अगर दो रहा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लगाएंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, अंगूठा दिखाएंगे, अंगुली को मोड़ेंगे, अंगूठा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर तीनों रहेगा तो मैक्सवेल साहब के रूल को, लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए तब मैक्सवेल का बताते हैं, चलो इस, अच्छा ये जो प्रयोग किया, ये प्रयोग हमने किया ना, इससे निष्कर्ष क्या निकला ये बताओ, हम यहां लिख देते हैं निष्कर्ष, क्या निकला निष्कर्ष बताओ हमको फटाफट, नहीं पता है, निष्कर्ष यही ना निकला, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल लगता है, यही ना है कि किसी धारावाही वाही चालक को किस क्षेत्र में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए जाए तो इस पर क्या हो, क्या लगता है,
बल लगता है। मैंने यही निष्कर्ष निकला कि किसी भी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगता है तब नहीं ये ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर जाता है, दोनों फोर्स लगता है या नहीं। एक बल नीचे की ओर कब, जब इधर नॉर्थ और इधर साउथ, एक जब इसको हम पलट देते हैं तब क्या लगता है, नीचे की ओर बल लगता है। ठीक है, अब लगाए हैं मैक्सवेल का रूल, इसका डायरेक्शन पता चलना चाहिए ना कि भाई फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। फ्लेमिंग का लगाए, काहे लगाए फ्लेमिंग का, मैक्सवेल का क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ फोर्स भी है।